हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डीएन ऑनलाइन एकेडमी। मैं नेहा सिंह, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज जो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, अध्ययन आदतें सूची पालसाने और शर्मा का प्रैक्टिकल, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइकोलॉजी प्रैक्टिकल के लिए। उम्मीद है आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। PDF अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। प्रस्तावना: शिक्षा में पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण छात्रों में अध्ययन आदतों की कमी है। क्योंकि छात्र बालक को पूर्ण विद्यालय उपलब्धियों को पाने की क्षमता अनेक कारणों पर निर्भर करती है। यदि छात्रों की उपलब्ध शैक्षिक वातावरण, निर्देशन की गुणवत्ता आदि में सुधार करने का प्रयत्न किया जा रहा है, हमारे देश में इस प्रकार के गुणों अनुकूलता एवं आदर्शवादिता का अभाव है। यह शोध अथवा परीक्षण अध्ययन आदतों का परीक्षण शिक्षा छात्र एवं अभिभावक को अध्ययन की निश्चित आदतों जो उत्तम है शैक्षिक उपलब्धियों को प्राप्त कराने में सहायक होती है। ये प्रयास छात्रों को उनकी अध्ययन आदतों से अवगत कराने में, उनमें सुधार करने में, छात्रों की अध्ययन आदतों से संबंधित क्षेत्र समय प्रबंधन, भौतिक वातावरण, पढ़ने की क्षमता, नोट्स लिखना, अधिगम अभिप्रेरणा, स्मृति, परीक्षा की तैयारी, स्वास्थ्य आदि है। अध्ययन आदतों का अर्थ एवं परिभाषा: व्यक्ति जब दूसरों के अनुभवों को शब्दों से निरीक्षण, चिंतन, मनन द्वारा ग्रहण करता है तथा उनका लाभ उठाता है तो ये प्रक्रिया अध्ययन कहलाती है। नवीन विषय सामग्री का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए, विभिन्न विषयों, क्रियाओं एवं परिस्थितियों के संबंधों की खोज करने के लिए या किसी उद्देश्यपूर्ण क्रिया का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र या सीखने वालों के द्वारा जो प्रयास किया जाता है उसी को अध्ययन माना जाता है। अध्ययन आदत से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं जो निम्नलिखित हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार अध्ययन का अभिप्राय है उन तथ्यों, विचारों या विधियों में दक्षता प्राप्त करने के लिए की जाने वाली खोज जिनको व्यक्ति अभी तक नहीं जानता है, ये केवल आंशिक रूप से जानता है। ली के अनुसार किसी बात को सीखने के लिए व्यक्ति द्वारा संकेत रूप से किए जाने वाले उद्योगी अध्ययन है। किसी संग्रहालय में कला ही कृतियों का अध्ययन का बहुत कुछ रूप है जो गहन पाठ का है। रिस्क के अनुसार अध्ययन ज्ञान या ग्रहण शक्ति को सुरक्षित रखने, योग्यताओं को प्राप्त करने या समस्याओं का समाधान करने के लिए किया जाने वाला नियोजित प्रयास है। अध्ययन आदतों का उद्देश्य: अध्ययन आदतों का उद्देश्य निम्नलिखित है: छात्रों की अध्ययन आदत को जानना, कमियों को सुधारना। अभिभावक व शिक्षक इस परीक्षण की सहायता से छात्रों की अध्ययन आदत को समझ सकें, ज्ञान प्राप्त करने और ऐसी आदतों का निर्माण करने में सहायता करना जिन्हें वह अपने जीवन को सफल बनाने व संपन्न बना सकें। अध्ययन आदत के मुख्य क्षेत्रों का वर्णन: सबसे पहले समय प्रबंधन है। अध्ययन के समय को योजनाबद्ध करना अति आवश्यक है। योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के आधार पर अध्ययन तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराने में सहायता मिलती है। समय योजना बनाने का सबसे सरल तरीका ये है कि एक सप्ताह तक प्रतिदिन के कार्यों का पूरा लेखा जोखा तैयार कर निरीक्षण के बाद समय को योजनाबद्ध किया जाए। योजनाबद्ध तरीके से अध्ययन कर छात्र और अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है और उसके अलावा अन्य सहगामी क्रियाओं के लिए पर्याप्त समय निकाल सकता है। दूसरा है भौतिक वातावरण। अध्ययन आदत किसी प्रकार की होगी ये भौतिक वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्ययन करने के साथ उचित साफ सुथरा, हवादार, उचित प्रकाश वाला होना चाहिए। अध्ययन के लिए आवश्यक सामग्री जैसे कॉपी, नोटबुक, किताब, लैंप आदि उपयोगी सामग्री अध्ययन करने की मेज पर व्यवस्थित होनी चाहिए। पढ़ने की क्षमता: पढ़ना किसी भी अध्ययन का आधारभूत कौशल है। पढ़ने की आदत को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं: अच्छा शब्दकोश, वाचन की गति, विषय का ज्ञान, महत्वपूर्ण बिंदुओं को इंगित करना आदि। अपनी मातृभाषा में 300 शब्द प्रति मिनट, अन्य भाषा में 75 शब्द प्रति मिनट वाचन की दर प्रयुक्त मानी जाती है। मौन वाचन सदैव शाब्दिक वाचन से तेज गति का होता है। नोट्स लिखना: कक्ष में महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करना तथा पुस्तकों से नोट्स बनाना अधिगम में महत्वपूर्ण सहायक क्रिया है। नोट्स बनाने के कई तरीके हैं।
जैसे या तो पाठ्य पुस्तक से प्रति एक प्रकरण का वैसे ही उतार लिया जाए, प्रति एक पूर्ण पैराग्राफ या केवल हेडिंग या सब हेडिंग को लेकर एक रूपरेखा बना ली जाए। कक्षा के नोट्स तथा किताब के नोट्स को मिलाकर मुख्य नोट्स सबसे अच्छे विकल्प होते हैं। नियमित रूप से नोट्स बनाने से यह कार्य आदत बन जाती है। अधिगम अभिप्रेरणा, अधिगम करने की क्षमता के साथ ही अधिगम के लिए इच्छुक होना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति किसी काम को जल्दी सीख लेता है तथा उसे लंबे समय तक याद रखता है, प्रत्येक व्यक्ति की अधिगम क्षमता समान नहीं होती, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नताएं अलग अलग होती हैं। कोई भी व्यक्ति अतिरिक्त प्रयास स्वास्थ्य प्रतियोगिता को भावना स्मृति में विकास अथवा सुधार करने का है। अच्छा अधिगम या बेहतर अधिगम स्मृति, हम जो भी कुछ अधिगम करते हैं, कोई भी कार्य जितना अधिक रुचि लेकर उतनी ही उसकी स्मृति बढ़ जाती है। जितना अच्छा अधिगम होगा उतनी ही उसको लंबे समय तक याद रख सकते हैं और स्मृति उतनी ही अधिक विकसित होती है। परीक्षा की तैयारी, वर्तमान में अधिकतर परीक्षाएं निबंधात्मक होती हैं। इसमें छात्रों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनके उत्तर छात्रों को देने होते हैं। इस प्रकार के उत्तर को सरल भाषा में महत्वपूर्ण बिंदुओं की सम्मिलित करते हुए लिखना होता है। अच्छा माना जाता है। पाठ की तैयारी, परीक्षा की तैयारी करते समय तालिका बनाकर अध्ययन करना चाहिए। कमजोर पक्ष को अधिक समय देना चाहिए। प्रतिदिन अध्ययन करने की आदत परीक्षा के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होती है। इसके लिए परीक्षा की आधी तैयारी ऐसे ही हो जाती है। परीक्षा परिणाम का उपयोग, परीक्षा परिणामों को सहज ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि प्रोत्साहित होना चाहिए। परिणामों के द्वारा ही हम अपने कमजोर व मजबूत पक्षों को ज्ञान होता है, जिसे हमें प्रयासों की दिशा में प्रेरणा मिलती है। स्वास्थ्य, खाने सोने व्यय तथा कामों को करने की स्वास्थ्य नियमित आदत अच्छी सेहत तथा स्वस्थ मानसिक दशा को बनाए रखने में सहायक होती है और कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अतः बहुत उत्तम स्वास्थ्य व आदत अधिगम में सहायक होती है और परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में अति आवश्यक होती है। सैद्धांतिक पक्ष के बाद हम आ जाते हैं इसके प्रयोगात्मक पक्ष में। अब हमें एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, एक पर्सन चाहिए होगा जिसके ऊपर हम ये प्रयोग करेंगे। परीक्षक का नाम, अध्ययन आदत सूची, परीक्षणकर्ता का पूरा नाम और उद्देश्य। इस परीक्षण का उद्देश्य किसी विषय के अध्ययन आदतों को जानना होता है। पहले हम विषयी यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसकी पूरी जानकारी लिखेंगे, उसका नाम, आयु, लिंग, शारीरिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता और मानसिक योग्यता। फिर परीक्षणकर्ता यानी स्वयं का डिटेल देंगे, जैसे कि नाम, आयु, लिंग, शैक्षिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता। परीक्षण का दिनांक व समय, आवश्यक सामग्री, परीक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली जो सामग्री होगी, परीक्षण पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका, मैनुअल, पेन, पेंसिल, पेपर आदि। फिर प्रारंभिक तैयारी, प्रारंभिक तैयारी में हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। विषय के बैठने के लिए उपयुक्त स्थान तथा फर्नीचर की व्यवस्था, हवादार कमरा, पीने का पानी, इन सभी चीज़ों की तैयारी हमें करनी होगी। और उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। तैयारियों के बाद सावधानियाँ, ये सावधानियाँ और ये तैयारियाँ का जो पॉइंट है, ये आप अपने हर साइको प्रैक्टिकल में ऐड कर सकते हैं और दो एक लाइनें चेंज कर सकते हैं अपने प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग भी। फिर उसके बाद निर्देश में आ जाते हैं। सावधानियों के बाद निर्देश हैं, ये निर्देश भी आप एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं अपने 6 के 6 प्रैक्टिकल में। बाकी अगर किसी प्रैक्टिकल में कोई परिवर्तन की ज़रूरत लगती है तो आप उसे परिवर्तन कर सकते हैं। फिर हमारी प्रारंभिक तैयारी, कैसे हमने उसकी प्रारंभिक तैयारी करी और आगे के पॉइंट पर आ जाते हैं।
प्रैक्टिकल के बाद जो परिणाम हमें मिलता है उसका फलांक हमें निकालना है। फलांक इस तरीके से दिया हुआ है। फिर निरीक्षण तालिका हम बनाएंगे। निरीक्षण तालिका में समय प्रबंधन, भौतिक वातावरण, पढ़ने की आदत, नोट्स लिखना, अधिगम प्रेरणा, स्मृति, परीक्षा की तैयारी आदि सारी जानकारी हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर जो फलांक प्राप्त होगा उसी के आधार पर हम चार्ट बनाएंगे और हम ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करके ऐसे ग्राफिंग करके चार्ट बनाएंगे। फिर परिणामों की व्याख्या, समय प्रबंधन कैसा रहा उसकी जानकारी देंगे। समय प्रकाशन और समय प्रबंधन के क्षेत्र में विषय को 10 में से 8 अंक प्राप्त हुए, अतः यह कह सकते हैं कि विषय समय का विशेष ध्यान रखते हुए सभी कार्य उचित समय योजना या प्रबंधन के अनुसार करता है। फिर भौतिक वातावरण में उसे कितने नंबर मिले, पढ़ने के तरीके या आदत में उसे कितने नंबर मिले, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर लिखनी होंगी। निष्कर्ष पर निकलते हैं। विषय को किए गए परीक्षण में 61 फलांक प्राप्त हुआ है, उसका प्रतिशत 50% है, इस प्रकार उसको ग्रेड सी मिला है। फिर अंतर्दर्शन विवरण, यह वास्तव में काफ़ी दिलचस्प प्रयोग है। अंतर्दर्शन विवरण जो होगा वो आपका जो सब्जेक्ट होगा ये उसको लिखना होगा और फिर उसके बाद अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। शैक्षिक निहितार्थ लिखने के बाद लास्ट पॉइंट पर आते हैं।